बेटा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि एजुकेशन ही सर्वोपरि है। यदि आपके पास शिक्षा रहेगी, संस्कार रहेंगे, तो आगे आप मेहनत के दम पे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, झूठ के बल पर थोड़े दिन की ज़िंदगी होती है, ज़्यादा दिन की ज़िंदगी नहीं होती है। सत्य बहुत परेशान होता है, झूठ के साथ तो आजकल फौज खड़ी हुई है। लेकिन आप लोगों को जो तैयारी करनी है, सत्य निष्ठा पे ही रह करके तैयारी करनी है। मैं टीचर हूँ, टीचर हमेशा अपने बच्चों से यही बताता है कि आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको सतमार्ग पे चल करके अपने मंजिल को प्राप्त करना है। लेकिन निरंतर प्रयास ही सब कुछ है। निरंतर प्रयास आपने नहीं किया तो आप किसी कीमत पे कहीं भी आगे नहीं जा सकते। आपके हमेशा तीन सबसे ज़्यादा अच्छे दोस्त, मित्र, माता पिता, गुरु, भगवान, ये चार लोग आपके अपने हैं, बाकी कोई अपना नहीं होता है। और रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। चाहे जितना भी आप पढ़ाई कर लीजिए, यदि प्रैक्टिस नहीं है तो सब कुछ बेकार है। और हरफन मौला कोई नहीं होता है। जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है तो सभी को सामान्य दृष्टि से देखिए, किसी को छोटा या बड़ा, ऊंच नीच की भेदभावना से कार्य नहीं करना चाहिए। चूँकि हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षक को नेशनल बिल्डर कहा जाता है, और आप लोगों को आगे यही बनना है और निरंतर प्रयास करते रहिए।